हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट जनरल मेटाबॉलिक चेंजेस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, लिपिड एंड आयरन मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी वीडियोस है रिलेटेड टू ऑब्स्टेट्रिक्स, वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ से आप उसे रेफर कर सकते हो। तो जनरल मेटाबॉलिक चेंजेस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज्ड टू एक्सटेंट ऑफ 30%, हायर देन दैट ऑफ एवरेज फॉर नॉन प्रेगनेंट वुमन। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो 30% जितना बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल वुमन और नॉन प्रेग्नेंट वुमन। उसमें जो फर्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या होता है, सो द फीटस एंड प्लेसेंटा कंटेन्स अबाउट 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड द मेटरनल गेन इज अबाउट 500 ग्राम। तो टोटल 1000 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो फीटस, प्लेसेंटा एंड मेटरनल गेन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मैटरनल गेन में भी जो प्रोटीन 500 ग्राम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमोंग यूटेरस, ब्रेस्ट एंड मैटरनल ब्लड। तो एज एमिनो एसिड ब्रेक डाउन टू यूरिया इज सप्रेस्ड, द ब्लड यूरिया लेवल इज फॉल्स टू 15 to 20 mg/L एंड एमिनो एसिड्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लासेंटा टू द फीटस। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। So the transfer of an increased amount of glucose from the mother to the fetus is needed throughout pregnancy. So this is the reason why during pregnancy we advise patient to take more glucose or more sweet items so that the increased demand can be fulfilled. So glucose transfer जो है वो mother to fetus increase हो जाता है throughout pregnancy में and insulin जिसकी वजह से क्या होता है, insulin secretion भी increase होता है in response to glucose as well as amino acids. There is hyperplasia and hypertrophy of beta cells of the pancreas. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दिस हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रोफी जो है इंसुलिन सेक्रेशन बढ़ता है, एज वेल एज जो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड है उसके रिस्पॉन्स में भी इंसुलिन सेक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। द प्लाज्मा इंसुलिन लेवल इज इंक्रीज, बट ऑब्वियस है इंसुलिन सेक्रेशन बढ़ेगा तो प्लाज्मा इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज ड्यू टू सेवरल अदर इंसुलिन फैक्टर्स ऑल्सो लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलेक्टिन, फ्री फैटी एसिड, लेप्टिन एंड TNFA। द इंक्रीज टिश्यू रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द फीटस। तो इवन टिश्यू रेजिस्टेंस भी होता है इंसुलिन के अगेंस्ट। दिस इज द रीजन की मदर की बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं होता है, लेकिन वो फीटस की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर ग्लूकोज इंटेक बहुत ज्यादा है, बहुत ओवर है, तो ये मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो सकता है और मदर जो है वो जेस्टेशनल डायबिटिस मेलिटस भी उसे डेवलप हो सकता है। एंड इंक्रीज इंसुलिन लेवल फेवर्स लाइपोजेनेसिस, दैट इज नथिंग बट फैट स्टोरेज। सो दिस इज वन फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैट स्टोरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज अबाउट फैट मेटाबॉलिज्म। An average of 3 to 4 kg of fat is stored during pregnancy, mainly in the abdominal wall, breast, hip, and thighs. Plasma lipid and lipoproteins increase appreciably during the later half of pregnancy due to increased estrogen, progesterone, human placental lactogen, and leptin levels. लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम देखें तो HDL दैट इज हाई डेंसिटी लिपिड लेवल इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड लो डेंसिटी लिपिड इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लेसेंटल स्टीरॉइडल सिंथेसिस। सो दिस हाइपरलिपिडिमिया ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी इज नॉट एथेरोजेनिक, यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हाइपरलिपिडिमिया होता है उससे एथेरोजेनिक कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। बट अगेन द सेम रूल अप्लाई हियर कि अगर ओवर लिपिड स्टोरेज है
तो उससे एथेरोजेनिक इफेक्ट भी डेवलप हो सकती है। लेप्टिन अ पेप्टाइड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एडिपोज टिश्यू एंड द प्लेसेंटा एंड इट रेगुलेट्स द बॉडीज फैट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म। सो आयरन इज एब्जॉर्ब इन फेरस फॉर्म फ्रॉम द डियोडिनम एंड जिजिनम, जो स्टमक के बाद का जो स्ट्रक्चर है डियोडिनम एंड जिजिनम, वहां से वो फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड इज रिलीज इन टू सर्कुलेशन एज अ ट्रांसफेरिन। सो फर्स्ट आयरन एंड देन एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ फेरस एंड देन रिलीजिंग इन द सर्कुलेशन एज ट्रांसफेरिन। सो अबाउट 10% ऑफ इंजेस्टेड आयरन इज एब्जॉर्ब, यानी कि जितना आयरन आप लेते हो थ्रू फूड थ्रू सप्लीमेंट्स उसमें से 10% जो है वो एब्जॉर्ब होता है। आयरन फ्रीड फ्रॉम द ट्रांसफेरिन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू हीमोग्लोबिन। सो 75% जितना आयरन जो है वो जो ट्रांसफेरिन में से फ्री होता है वो जो है वो हीमोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट होता है एज वेल एज मायोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट होता है और स्टोर्ड एज अ फेरिन और हीमोसिडरिन। आयरन इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली अक्रॉस द प्लासेंटा टू द फीटस। आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसिडरेबल एंड इज मेनली लिमिटेड टू सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी एस्पेशली लास्ट 12 वीक। सो आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास तौर पे लास्ट हाफ, यानी कि लास्ट जो 12 वीक रहते हैं तब उसका नीड ज्यादा रहता है। तो द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम। तो ये डिवाइडेड रहता है, ये इक्वली हर एक मंथ में डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि इनिशियल 3 मंथ्स में उतना आयरन का डिमांड नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एस्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा उसकी डिमांड रहती है। द प्लेसेंटा ट्रांसफर्स एडिक्वेट आयरन टू द फीटस डिस्पाइट सीवियर मैटरनल डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी। अगर मदर को आयरन डेफिशिएंसी है, उसका एचबी लो है, उसके बावजूद प्लेसेंटा जो है वो एडिक्वेट आयरन फीटस में ट्रांसफर करता है। दिस इज द रीजन देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशंस इन मदर एंड फीटस। अगर मदर का एचबी लो है, इसका मतलब ये नहीं है कि फीटस का भी लो होगा। फीटस को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो प्लासेंटा ट्रांसफर कर ही देगा उसे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ आयरन इन मैटरनल बॉडी मदर को कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं। दैट्स व्हाई आयरन सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देर इज एन ऑब्लिगेटरी लॉस ऑफ अबाउट 200 मिलीग्राम थ्रू रेगुलर रूट। सो अब लॉस की अगर हम बात करें तो फीटस को आधा जो आयरन जाता है बाद में 200 mg रेगुलर रूट से वो लॉस होता है। देन द आयरन इन फीटस एंड प्लेसेंटा इज परमानेंटली वो जा चुका होता है मदर की बॉडी में से एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ आयरन इज एक्सपांडेड आरबीसी वॉल्यूम इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस रहता है उनमें पर 100 ml ब्लड लॉस में 45 mg आयरन लॉस होता है और नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml ब्लड लॉस होता है और अगर LSCS हुआ है तो 1000 ml टू 1500 ml जितना लॉस होता है। अगर PPH है तो वो डिपेंड करेगा माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, उतने उसके अकॉर्डिंग आयरन लॉस होगा एंड द रेस्ट इज रिटर्न टू द स्टोर। हावेवर ड्यू टू एमेनोरिया फॉर 10 मंथ्स अबाउट 300 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज सेव। 10 मंथ एमेनोरिया की वजह से क्या होगा, 3 मंथ 300 मिलीग्राम जितना आयरन बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा एंड आयरन लॉस इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पर साइकिल इज अराउंड 300 mg एंड आयरन नीड ड्यूरिंग लैक्टेशन इज 1 mg पर डे। सो इस तरीके से ये कंपनसेट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन क्लिक द बेल आइकॉन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स।